छींकना, इंग्लिश में बोले तो स्नीजिंग। जब भी आपकी नाक के अंदर कुछ भी इरिटेट करेगा या फिर कुछ गुदगुदी होगी तो आपकी बॉडी उस चीज़ को निकालने के लिए कुछ प्रयास करेगी, उस प्रयास का नाम है छींकना। अगर आपकी नाक में कोई भी अनवांटेड चीज़ है और बॉडी उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और आप छींक देते हैं तो क्या सिर्फ यही इंटरेस्टिंग पार्ट है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छींकने के अंदर कवर होती हैं, जो कि आज हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हमारी बॉडी के अंदर स्नीज सेंटर होता है, वो सारी मसल्स को मैसेज भेजता है कि अब हम छींकने वाले हैं। तो उस केस में आपके पेट की मसल, आपके वोकल कॉर्ड्स, आपकी गले की मसल, आपके चेस्ट की मसल, इन सबको साथ में काम करने के लिए मैसेज भेजा जाता है। तो ये सारी मसल्स आपकी एक साथ काम करेगी तब जाके छींक निकलेगी। कभी सोते हुए छींका है? नहीं, और ना आगे छींक पाओगे, क्योंकि जब आप सोते हो तो स्नीज सेंटर जो कि हर चीज़ को एक्टिवेट करता है, तो वो नर्व जो होती है वो सो रही होती है। उस केस में भी आप छींक नहीं सकते हो। अगर आपकी नाक में कुछ जाएगा तो आप उठ जाओगे बट छींकोगे नहीं। ऐसे कभी आपने नहीं देखा होगा कि आपकी नींद ही छींक की वजह से खुली है। फोटिक स्नीजर्स मतलब ऐसे लोग जिनकी छींक तभी निकलती है जब वो अचानक से रोशनी के सामने आते हैं। कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपको छींक नहीं आई और आप अचानक से या तो सूरज देख लीजिए या फिर लाइट देख लीजिए तो आपको छींक आ जाती है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फोटिक स्नीजर। हर तीसरे इंसान में एक इंसान फोटो स्नीजर होता है। और अगर आप भी फोटो स्नीजर हैं या फिर आप भी धूप में जाके ही छींकना पसंद करते हैं या फिर लाइट के सामने जाके छींकना पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि ये आपको अपनी फैमिली में या फिर पेरेंट्स से मिला हो। क्योंकि फोटिक स्नीजर्स जो होते हैं वो जेनेटिक ट्रांसफर होते हैं, फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि लाइट से छींक ट्रिगर नहीं होती है, आपको डार्क रूम से लेकर लाइट रूम में जाना पड़ता है, या फिर जब डार्क होता है आपको वहां से लाइट वाले एरिया में जाना पड़ता है, उस केस के अंदर ही छींक निकलती है। फिर आते हैं हमारे मेगा स्नीजर्स, ऐसे लोग जिनकी छींक बहुत दूर से सुनी जा सकती है। आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे जिन जो छींकते हैं तो पता चलता है कि हाँ एक्चुअली में वो इंसान छींका है। इन लोगों के जो लंग्स होती है इनकी कैपेसिटी अच्छी होती है, तो ये एयर अच्छी इनटेक करते हैं। और ये बहुत आसान सी बात है कि जितनी ज़्यादा आप एयर अंदर लोगे उतनी ही तेज, उतनी ही लाउडर आपकी छींक होगी। कई बार हमें सिर्फ एक छींक नहीं, लगातार दो या तीन या चार छींकें आती हैं। इसका रीज़न ये है कि पहली छींक में हमारी बॉडी इतना फोर्स क्रिएट नहीं कर पाई कि आपकी नाक में जो भी पार्टिकल है या फिर जिस चीज़ की वजह से गुदगुदी हो रही है वो निकल सके। इसलिए बॉडी प्रयास करती है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक कि वो चीज़ नाक में से साफ नहीं हो जाती। कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ तो पता चली गई है कि जब भी हम छींकते हैं तो हमारी नाक और हमारी मुंह दोनों से वाटर की ड्रॉपलेट्स निकलती हैं और ये ड्रॉपलेट्स ट्रेवल करते हुए सरफेसेस पे चिपक जाती हैं। और जब भी उन सरफेसेस को कोई भी इंसान छूता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके हाथों में चिपक जाते हैं, जो कि उसके लिए भी डेंजरस है और आपके लिए भी डेंजरस है। इसी तरीके से ज़्यादातर वायरस फैलता है। तो बेसिक चीज़ें आपको पता है, या तो आप अपनी एल्बो यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर अगर हैंकी है आपके पास तो वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने एक स्टडी की है जिसमें पता चला है कि जब भी आप छींकते हो ना और कई बार कफ भी निकलता है तो छींकने की जो स्पीड है वो है 100 माइल्स पर आवर। किलोमीटर में बात करें तो 161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप छींकते हो। और जर्म्स की बात करें तो 1,00,000 जर्म्स स्प्रेड होते हैं जब भी आप एक बार छींकते हो। तो कई समझदार लोगों को नई नई चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आता है और नई चीज़ें ट्राई करने के लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट छींक के साथ में कभी कोई फालतू चीज़ें ट्राई ना करें, स्पेशली वो जिसमें ये बोला जाता है कि हाँ अगर आपको छींक आ रही हो तो आप नाक बंद कर लें अपना या फिर मुंह बंद कर लें। जब अंदर से प्रेशर निकल रहा हो और आप में नाक बंद कर लेते हैं, वैसे बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन इन केस आप बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो नाक बंद करने के लिए और अंदर से छींक आने वाली है, कितना वर्स्ट केस हो सकता है आपको आइडिया है? आपकी आँख और आपकी नाक के जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। दूसरा, कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं छींकते समय हम आंखें खोल सकते हैं या फिर ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, तो कृपया वो चीज़ ना करें। हानि हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, आपका माइंड जिस हिसाब से काम कर रहा है स्पेशली जो छींकने की कंडीशन है उसमें उसी तरीके से काम करने दें। अगर आपकी आंखें बंद होती हैं तो होने दें, छींक निकल रही है तो उसको निकलने दें, अंदर आपके नाक के अंदर कुछ इरिटेट कर रहा है तभी तो छींक आ रही है, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करें, कुछ कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश ना करें।
आपकी छींक 5 फीट तक का एरिया कवर करती है, मतलब जो पार्टिकल्स है वो 5 फीट तक के एरिया को ही कवर करते हैं। आगे भी जा सकते हैं अगर एयर चल रही हो, बट बेसिक जो बोलता है वो यही है कि 5 फीट। इसलिए बोला जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर 6 फीट की डिस्टेंस रखनी चाहिए। लास्ट में जाते जाते कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जरूर माइंड में रखना। पहला, कभी भी छींक के साथ में फालतू का एक्सपेरिमेंट नहीं, नाक बंद नहीं करना, आँख खोलना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। दूसरा, जब भी छींक आए अपनी एल्बो यूज़ कर सकते हो, हैंकी यूज़ कर सकते हो, टिश्यू यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ें आपको पता है। स्पेशली जो मेरा पहला वाला है कि कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उसको ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप भी मेगा स्नीजर हैं, आप भी छींकते हैं तो क्या दूर दूर तक आपकी छींक सुनाई देती है। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।